सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स, मेरे बॉस और सभी सीएलसी फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। मैंने टेंथ में 93% थे। फिर मुझे मेरे पिताजी और मेरे नरेंद्र चाचू, उन्होंने गाइड किया कि सीएलसी सीकर में एडमिशन लेना है और नीट की प्रिपरेशन करनी है। फिर 11th 12th फाउंडेशन के लिए यहाँ सीकर भेज दिया मुझे, और 12th के साथ मेरी एज नहीं हुई थी इसलिए 12th के साथ एग्ज़ाम नहीं दे पाया। फिर फ्रेशर में दिया था, उस समय 587 स्कोर रहा। फिर वापस कोचिंग की सोच रहे थे कि वापस तैयारी करनी है। मैंने भी कह दिया कि वापस ही करेंगे, अब कॉलेज मिलेगी तो भी अच्छी नहीं मिलेगी इतने, तो वापस बढ़िया रैंक के लिए तैयारी करेंगे। फिर कई लोगों ने तो कहा कि कोचिंग चेंज भी कोचिंग चेंज कर लो, लेकिन मैंने कहा कि इसमें ज्ञानचंद बहुत होते हैं, वापस एड कोचिंग तो सीएलसी से ही करनी है वापस। फिर अब की बार बढ़िया टेस्ट सीरीज चली, सबसे खास बात है सीएलसी की टेस्ट सीरीज, बायोकेम उसके बाद फिजिक्स इको उसके बाद दंगल, सब कुछ एनसीईआरटी बेस पेपर आते थे और पूरे एनसीईआरटी कवर हो जाती थी, और बॉस की असेंबली से बहुत मोटिवेशन मिलता था, और शाम को नाइट कैंप में भी माहौल बढ़िया रहता था, अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए। और पूरी सीएलसी टीम और फैकल्टी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ।